बंदूकों के साथ अपनी फौज निकालने वाला तेरा भाई कहाँ है ये बता। मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? भैया। चल, चल, जल्दी बता, बता मेरा सरदार कहाँ है, बता, बता, मेरे कहाँ, बता, बोल, बोल कहाँ है, बोल, भैया, जल्दी बता कहाँ है वो, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, बोल, बोल, छोड़ दीजिए साहब, उसे कुछ नहीं पता है साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे कुछ नहीं पता। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? बता, कहाँ है वो, बोल, बोल, बता कहाँ है वो। आज के बाद तुम लोगों ने उसे अगर दाना पानी दिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ, चलो। भैया, न हम इधर के रहे न उधर के, इधर उग्रवादी उधर पुलिस, दोनों के बीच में हम पिस गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, हे भगवान, हमारे किस कर्मों की सजा हमें दे रहे। पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना मुकाबला कर सकते हैं। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भैया, खाना मिले या ना मिले, पर आप मेरे साथ रहो, हम गांव छोड़कर चले जाते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी आप है भैया, आप मुझे छोड़कर मत जाना भैया। अरे थोड़ा सार दे के चलो ना, एक दो तीन चार पाँच, बस रुको, बस रुको, रुको। अरे ये क्या हंगामा है भाई? अरे मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? पैसे कौन से पैसे भाई? अरे बाबा, मैंने टिकट लेने के लिए आपको 100 रुपए दिए थे ना, तो बाकी के पैसे वो दीजिए आप। ओ, अच्छा, हाँ? तो तुम उस पैसे की बात कर रहे हो? अरे हाँ हाँ। और तुमने जो बस में चिल्ला चिल्ला कर लोगों का दिमाग खराब किया उसका? हाँ हाँ किया था। कितने लोग गाड़ी से उतर गए उसका कौन देगा पैसा? अरे छोटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे चलो भाई चलो। भैया क्या है? 10 रुपए का फायदा हुआ। कैसे? अरे मेरी टिकट नहीं ली, मैं पीछे छुप गया था ना। अरे जा, मैंने तेरी टिकट निकाली और उस बस कंडक्टर ने मेरे पैसे मार लिए। चल सामान उठा। चला जा 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 जा। भैया। हाँ। चिरंजीवी, चिरंजीवी। हाँ भाई हाँ। अरे ये तो सिनेमा में बहुत बड़े बड़े किरदार निभाता है। अरे बाप रे, जब ये जंगल के अंदर गया था तो मैं कितना रोया, बहुत ज्यादा रोया था, बहुत ही ज्यादा। हट, अरे ये वो नहीं है। अरे यहाँ पर सब एक जैसे होते हैं, सबका चेहरा। अरे चिंटू हट जा। हम लोग तो यहाँ आके पूरी तरह फंस गए। हाँ भाई हाँ।
भैया। क्या है? सुसु आ रही है। मेरी बात सुन, वो पेड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे जाकर कर ले, चुपके से जा। वो पेड़ के पास? हाँ। पुलिस वाले देखेंगे तो धुलाई कर देंगे। अरे चुप, कुछ नहीं होने वाला। पहले मुझे भी आई थी, मैंने भी वही किया। हाँ। था, चल जा जा। क्या कर रहा है रे तू? मेरी पैंट गीली कर दी, इतनी हिम्मत तेरी? भाई, आज तक किसी भाई। की मजाल नहीं हुई। अरे रहने दो ना, बहुत मासूम है ये। पहनावे से तो इस शहर के नहीं लग रहे हो, कौन से गांव से आए हो? रामनगर, ये मेरा छोटा भाई है। यहाँ पर क्यों आए? मैं खुद नहीं आया, पुलिस इधर लेकर आई। मैं ये पूछ रही हूँ कि शहर क्यों आए हो? पुलिस को मिल जाए इसलिए। अरे तू चुप हो जा, बताने के लिए बहुत बड़ी कहानी है। बस में आ रहे थे और बस वाले ने धोखे से हमारे पैसे ले लिए। धोखे से? हाँ हाँ, धोखे से। छी, सही सही बता। जब से कंडक्टर ने हमारे पैसे नहीं दिए ना, तब से हमारी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई। क्या फालतू की बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप बैठो। भैया बहुत खतरनाक लग रहा है। हाँ मुझे भी खतरनाक लग रहा है। कैसा इंसान है रे, पुलिस वाले से इतना डर गया तू? ये बॉडी लेकर क्या करेगा? अरे हट, पुलिस वाले को उल्टा जवाब नहीं दे सकता था तू? अरे हाँ भाई हाँ, मुंह खोलता तो वो भी जवाब देता ना। अरे आप भी तो मर्द हो ना, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? आपकी बॉडी भी तो मस्त है, जवाब देना चाहिए था ना। भैया भैया, अब क्या है? अरे नीचे देखो, नीचे देखो। नीचे? हाँ नीचे नीचे। नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। ऊपर? ऊपर नहीं, थोड़ा बीच में देखो, बीच में देखो। अच्छा अच्छा, बीच में। अरे बाप रे, ये तो एक लड़की है और मैं इसे अब तक लड़का समझ रहा था। बहुत सुंदर है ये लड़की। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते एसआई साहब। नमस्ते है। क्या है, बहुत लोगों का अरेस्ट किया आपने आज? ये सब लोग दंगा कर रहे थे सर। ओहो, तो भाइयों जरा बता दो आप लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया है? साहब मैं दीवार पर सुसु करने गया था, उन्होंने मुझे उठा लिया। बताओ मेरा क्या कसूर था साहब? ओहो, और तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया? अरे साहब नेकर ढीली थी, पिन लगा रहा था, उसमें पिन भी नहीं लगा था, पुलिस वाले उठा लाए मुझे सर यहाँ पे। पिन के लिए अरेस्ट कर लिया? है सर। मतलब आपके हिसाब से वाकई बहुत खतरनाक आदमी है ना? अरे आपको भी अरेस्ट कर लिया? हाँ मेरे को भी, मैं कितनी देर से बोल रही थी कि पुलिस वाले ने मुझे लड़का समझकर वैन में डाल दिया। अरे मैं लेडी हूँ, इसे बार बार बोल रही थी। इसके अलावा तो कोई और अत्याचार नहीं किया ना इन्होंने? हाँ कोशिश किया था इसने। हाँ तो बोलो बोलो। एसआई साहब ने मुझे अंदर कमरे में आने बोला। हाँ? और मैं उसके साथ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ? फिर मैंने हाथ छुड़ा लिया। हाँ? फिर मेरे पांव पकड़ लिए। हाँ? फिर मैं थोड़ा पीछे गई। हाँ? और ये मेरे ऊपर गिर गए। हाँ? और जबरदस्ती की कोशिश। हाँ? की, लेकिन मैंने कुछ करने नहीं दिया। ये झूठ है, ये झूठ है, ये एकदम झूठ है। अरे हाँ भाई हाँ, जब से ये लड़की आई है यही पर है, इसे एसआई साहब ने नहीं बुलाया है, मैं माँ की कसम खाता हूँ। चुप रहे। अरे बाप रे, एसआई साहब इस लड़की के साथ अत्याचार किया गया, इसका केस अब मैं ही लड़ने वाला हूँ, और यहाँ जितने मौजूद हैं इन सब की गवाही भी दिलवाऊंगा। सर सारा शहर हमसे डरता है, लेकिन हमें आपसे डरना पड़ता है। और नहीं तो क्या। अरे छोटू भाई और राजू का भी तो 36 का आंकड़ा है, तुमको पता ही है ना, हर वक्त झगड़ा होता रहता है। ये बात तुमको भी पता है, पूरे गांव को भी पता है, पर उन्हें पकड़ने के लिए तुम में दम है ही नहीं, और ये हकीकत सब जानते हैं। अगर दम है तो उन पे केस डाल के दिखाओ ना, तब पता चलेगी तुम्हारी असली ताकत। करो उन पर केस, और करो इन सब पर भी केस, कोर्ट में देख लेंगे तुम्हें। सर अरे आपसे क्यों पंगा लेने का, अरे तुम लोग जाओ यार, जाओ सब लोग, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। यहाँ बुद्ध बना क्या खड़ा है, यहाँ कोई खाना नहीं बट रहा, जाओ यहाँ से। बेटी कौन है हरिश्चंद्र? हमारा गांव रामनगर, मेरा नाम पवन है और ये मेरा छोटा भाई चिंटू। बस वाले को हमने 100 रुपए दिए और उसने बाकी के पैसे नहीं दिए। तब से बस पैसे पैसे की रट लगा रखा है इस आदमी ने। तो कहाँ रह रहे हो तुम? यहाँ, यहाँ पर हम रह सकते हैं? नहीं यहाँ पर नहीं, एक काम करो इन्हें अपनी बस्ती वाले घर में रहने के लिए जगह दे दो। ठीक है। अच्छा नाम क्या बताया था तुमने? अभी तक तुम्हें कहाँ बताया? अच्छा, अभी बताती हूँ। अरे मारना मत, मारना मत। मेरा नाम पवन है और इसका नाम चिंटू। डरो मत, मैंने तुम्हें मारने के लिए झाड़ू नहीं उठाया। ये पकड़ो और पूरा घर साफ करो। हाँ चिड़िया है।
ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं जी, घर साफ कर रहा हूँ। अच्छा, अपना घर साफ करने के लिए पूरा रोड खराब कर दोगे क्या? कहीं तुम गधे ऑफ इंडिया तो नहीं हो? सारे डब्बे रोड पर क्यों फेंक दिया? अब इतने सारे डब्बों का मैं क्या करूँगा? इतने डब्बे का क्या करोगे? तो फिर ठीक है, घर में फेंक दो। ठीक है जी, लेकिन आपका घर है कहाँ? अरे बाप रे, मजाक कर रहा है मुझसे? मैं तेरा साला हूँ। आप कहाँ मेरे साले हो जो आपके साथ मजाक करूंगा? ये तो सटका हुआ लगता है मुझे। कौन से गांव से आप इधर पधारे हैं महाशय? अरे भाई, कल रात को वकील साहब जी ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। ओहो, सुंदर जी ने भेजा? हाँ जी, हाँ जी, हमारा गांव है रामनगर है? मेरा नाम पवन है, और ये मेरा छोटा भाई चिंटू। परसों बस से आ रहा था, बस वाले ने बाकी के पैसे नहीं दिए। इसने लिए तुम्हारे पैसे? हाँ हाँ, इसी ने लिए। अभी नहीं जानते हो इसे? 45 साल की सर्विस में पूरा डिपो बेच डाला। तुम क्या चीज हो भैया? जल्दी आओ ना, कॉलेज का टाइम हो रहा है। आ रहा हूँ सिस्टर, जरा इसकी आंखें खोल कर आता हूँ मैं। पूर फेलो ऑफ इंडिया, इनसे तो तुमने छीन लिया, कभी शहर वालों से पंगा हुआ है? लोग अपनी दहेज के लिए बीवी को मार देते हैं, जायदाद के लिए माँ बाप को मार देते हैं, वोट के लिए जनता को मार देते हैं, वोट काटने वाले नेता को मार देते हैं, यहाँ मंदिर में भी कमीशन लेते हैं, कुर्सी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। मारो मारो मारो, छीनो छीनो छीनो, तुम ही मारो। मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो भाई साहब। अब आना रास्ते पे, सारे डब्बे उठाओ और पानी भर के अपने घर में रखो। क्या आदमी है ये चिंटू? चिंटू, ए चिंटू, चिंटू तू स्कूल जाएगा? ए, ए, रुको रुको, ए, ए, बस रोको। अरे रुको भाई, बस रोको। ए, क्या हुआ, क्या चाहिए? ए, भाई भाई, इस बस का नाम क्या है? बस का नाम? अब इस बस के स्कूल का नाम? नील दस प्रांडम। नील? भाई साहब एक बार फिर से बोलो ना। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। देशपरांडम। हाँ। नील देशपरांडम। चिंटू हम स्कूल का नाम भूल जाएंगे, अपनी जुबान से बोलो। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। क्या बात है, ये सुबह सुबह दोनों क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो? नील देशपरांडम। क्या नील देशपरांडम? अरे हाँ। क्या बोले जा रहे हो? अरे नील देशपरांडम, समझती नहीं? अरे चुप हो जाओ, सही सही बोलो। अरे नील देशपरांडम। नील 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 देशपरांडम। देशपरांडम। नील देशपरांडम। क्या बोला? नील। हाँ हाँ, नील। आहा, नील। अच्छा तुझे? देशपरांडम। नील देशपरांडम। ओ तुझे? नील डैश मार रहा है। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। अच्छा मुझे डैश मार रहा है। अरे बाप रे, ये बोलकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बाद में मिलते हैं, मैं चलती हूँ अभी। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। 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 भैया। हाँ। अरे उसने तो आकर सब कुछ भुला दिया। हाँ। हमारी बातों का हेर फेर करके सब उल्टा बुलवा दिया। हाँ चिंटू, बोल बोल के हमने नाम का घोटाला कर दिया, अब स्कूल के नाम का क्या करेंगे? डेस मारेंगे। अब क्या नाम था उस स्कूल का? हाँ भाई हाँ। आपको बस में स्कूल का नाम पूछते देखा, उस स्कूल का नाम नील देशपरांडम है। तुमको डेस मारता नहीं है? अरे भाई नहीं है, वो नहीं है, नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। नील देशपरांडम। ए चिंटू। हाँ? लगता है तू बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, सब आंखें फाड़ फाड़ कर तुझे देख रहे हैं। Stop that. Who are you? ये नील देशपरांडम स्कूल है ना? Yeah. ये मेरा छोटा भाई है चिंटू, इसका नाम लिखाना है मुझे। बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? You mean headmaster? हाँ? Yeah. Go straight. Yeah. Turn right. Yeah. There you can see the toilet. Okay? Toilet. Yeah, yeah.
Just behind the toilet, you can see headmaster's room. Yeah, yeah, yeah. चिंटू, वो तो तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा था, तुमने उसका कैसे जवाब दिया? अरे मेरे भाई, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? कहाँ आती है? हाँ? बस एक्टिंग किया मैंने. या 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 हाँ? TOTLET भैया, वो रहा टूलेट और वो रहा हेडमास्टर का ऑफिस. या 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 नमस्ते बड़े साहब. यस यस, यू गेट आउट, गेट आउट. हाँ साहब जी, ये मेरा छोटा भाई है चिंटू, इसे स्कूल में आप इसे दाखिल कर लो. ये कोई बात करने की जगह है, यू गेट आउट. सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमारा गांव रामनगर है, हम गांव से आ रहे थे, बस वाले को 100 रुपए दिए, उसने पैसे नहीं दिए. सही कहा ना साहब जी? साहब जी, चिंटू ने गांव में 3री तक पढ़ाई की है, इसको बहुत कुछ आता है, इसको गिनती पहाड़े भी आते हैं. ए चिंटू सुना ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10. अरे चुप रहा, इसको 8वीं का पहाड़ा भी आता है, कविता भी आती है. अरे सुनाना सुनाना. वीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो. वीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़. साहब जी इसको इंग्लिश भी आती है, सच कह रहा हूँ. ये चिंटू इंग्लिश में बात करना, बात कर. या या ए बोले तो एप्पल, बी से बैट, सी से कैट, सी से भी आता है CAT cat, डी फॉर डॉग, जी फॉर गेट आउट. तब से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, निकलो यहाँ से बेवकूफ. थोड़ी देर और रुके ना तो समझ लेना. साहब जी मेरी बात तो सुनो. चलो चिंटू, ये सारे शहर वाले एक ही जैसे होते हैं, हमारी बात नहीं सुनते. चिंटू प्लीज सर, मेरी बात को मना मत कीजिए. गरीबों के लिए सीट अलॉट की है ना, उसमें से इसे एक सीट दे दीजिए प्लीज. ठीक है, तुम बोल रही हो इसलिए इसे सीट दे रहा हूं. क्या हुआ रे चिंटू? ये दीदी ने बोल दिया तो आप मास्टर जी मुझे स्कूल में ले रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद. हाथ बाद में जोड़ना, स्कूल की फीस 100 रुपए भरनी होगी. अभी भर देता हूँ जी. ए चिंटू चल गिनती कर. 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अरे रुको रुको. अरे ये कितना है ये सिर्फ बोल दो. बस साहब जी 20 रुपए कम है, आप अभी इसे रख लीजिए. जब चिंटू को स्कूल लेकर आऊंगा तब बाकी के दे दूंगा. इसे आप रख लीजिए ना. आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगी. बहुत अच्छी है आप. नमस्कार. अरे साहब जी सुनिए सुनिए. नमस्ते जी. नमस्ते. अरे तुम कैसे हो, सब ठीक तो चल रहा है ना? मैं तो ठीक हूँ साहब जी, चिंटू का स्कूल में दाखिला हो गया. अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. स्कूल ने चिंटू को लेने से मना कर दिया था, लेकिन एक पढ़ाई की देवी ने इसकी मदद की और स्कूल में दाखिला मिल गया. अरे कौन है वो? अरे वो बहुत अच्छी है, पढ़ाई की देवी, और वो देवी यहीं पर रहती है. कहाँ पर? आइए मैं आपको दिखाता हूँ. अच्छा चलो. मैंने जिसकी बात की थी ना वो यही है. अरे मैंने जो बताया था ये भी वही है साहब जी. यही घर है. ये वाला घर है? हाँ. आई है साहब जी. साहब जी यही है वो पढ़ाई की देवी. अच्छा, इन दोनों में से कौन है ये तो बताओ मुझे. क्या साहब जी, आप भी ना, आपको तो देखते ही पहचान लेना चाहिए था. ये है वो. ये पढ़ाई की देवी है? अरे क्या साहब जी. अरे वो जो सामने बैठी है ना वो है. अच्छा ये वाली है पढ़ाई की देवी? अरे क्या साहब जी. हाँ. अरे साहब जी ये सामने खड़ी है. अच्छा जो खड़ी है वो ये पढ़ाई देवी है. बेचारे को बिना बात ही बेवकूफ बना दिया. अच्छा ये शारदा कौन है पता है? अब अरे मेरी बेटी है. हाँ. आपकी बेटी है? मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था. आपकी बेटी भी आपके जैसी है. ये पढ़ाई की देवी भी बहुत दयालु है. स्कूल की फीस कम पड़ी तो इन्होंने मदद की. हाँ जमींदार के घर में पैदा हुई है ना, इसलिए हर किसी को बांटती फिरती है. इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये है वो है, पुण्य लगेगा ऐसे कहते हुए बांटते फिरते हो. बुद्धि तो घास चरने गई है, पहले ही पूरे गांव का ठेका ले रखा है और अब इन्हें भी ले आए. दादी चुप हो जाइए ना, आप इन पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? इन्होंने क्या किया है? क्या किया है, जरा इनकी शक्ल तो देखो. ऐसा लगता है जैसे दोनों चोरी करने आए हुए हैं. ए पढ़ाई करना किसी बच्चे का खेल नहीं है. पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और तू पढ़ाई करके कौन सा तीर मार लेगा बता तो, कौन सा साहब बन जाएगा? भैया भैया. हाँ. मुझे नहीं पढ़ना. क्यों नहीं पढ़ना?
पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा और बहुत किताबें चाहिए। हाँ चाहिए। अरे भैया मैं आपके साथ काम करूँगा, मेहनत करूँगा, खूब सारे पैसे कमा लेंगे, फिर मैं जाकर पढ़ाई करूँगा। अरे ये पागल उस बुढ़ी माँ की बातों की वजह से ऐसा कह रहा है। हाँ हम लोग गरीब हैं, हैं गरीब, लेकिन चिंटू तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी, तुझे बड़ा बड़ा ऑफिसर बनना है। इतना आसान नहीं है भैया, लोग कहते हैं पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, जरूरत पड़ने पर खून तक बेच दूंगा। भैया चिंटू, ए चिंटू, हर इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए मेरे भाई। हम लोग जंगल से आए हैं लेकिन हमें जंगली बनकर नहीं रहना है, तुझे सबसे बड़ा आदमी बनना है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आज के बाद ये मत कहना मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ अरे रहने दे, पंप नहीं मार सकता तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा। क्या हुआ रे, मुंह लटका के घूम रहा है? काम के लिए पूरे गांव में घूम लिया लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, सब यही कहते हैं काम नहीं है जाओ। इंसान को काम करने के लिए बस उसमें इच्छा होनी चाहिए, काम तो हजारों रखें। हाँ हाँ अगर हवा मारने का भी काम मिलेगा ना तो करूंगा। पंप मारने का काम करेगा ना, एक दो रुपए भी हाथ नहीं आएंगे। अरे इतना बड़ा आदमी है तू, पंप मारने की क्या जरूरत, मेरे पास रिक्शा गाड़ी है, चलाएगा? अब रिक्शा गाड़ी? वो मुझसे नहीं होगा। मन में लगन हो ना करने की तो इंसान सब कुछ कर सकता है। हाँ ऐसे ही ऐसे ही बस करते रहे करते रहे, अगर कोई सामने से आए तो ऐसे घंटी बजाना। हाँ अरे बजाओ, जब कोई सामने आएगा तभी बजाऊंगा ना। अच्छा मैं आती हूँ सामने से अभी। अरे 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 क्या करूँ, अरे ये रिक्शा रुक नहीं रहा है। अरे अरे हट जा, अरे अरे क्या करूँ, अरे ये रिक्शा नहीं रुक रहा है। अरे 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 क्या करूँ, अरे अरे हट जा। अरे रोको रोको, ए एक ब्रांडी का बॉक्स दे जल्दी, सुना नहीं बे, जल्दी लेकर आ। साहब बहुत ज्यादा उधार हो गया है। तूने दोबारा पैसा मांगा तो जान से मार दूंगा तुझे, देख क्या रहा है, चल। रोक दे, बस रोक। ए ये बॉक्स अंदर रख दे। साहब जी किराया? किराया मांगा तो पत्ती सी तोड़ दूंगा। साहब साहब मेरे भाई की किताब के लिए मुझे पैसे चाहिए, आप सिर्फ किराया दे दीजिए साहब। 100 रुपए की छुट्टे हैं? हाँ है ना साहब। ये भी मेरे हो गए। साहब साहब क्या क्या? साहब मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तेरे तो हट। मेहनत की कमाई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं हलक से तेरी जुबान खींच लूंगा, समझ गया ना तू? रिक्शा रिक्शा भाड़ में गया, पर तूने जो उस गुंडे की बीच सड़क पर धुलाई कर दी ना उसके लिए तुझे सलाम। खुद को 30 मार खा समझते हो तुम?
क्या करना है, जाओ मोहल्ले के अंदर जाओ और सबसे सलाम करवाओ। जब एक दूसरे को मारोगे काटोगे तो हर कोई सलाम ही करेगा। लोग गुंडा बदमाश कहेंगे, अपनी इज्जत मान मर्यादा सब खो दोगे, और ये सब करने से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, या कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है तुमने? बाहर से इस गांव में दो रोटी कमाने के लिए आए हो, और ये सब करके अपने साथ साथ गांव वालों को भी परेशान कर रहे हो। क्या साबित करना चाहते हो? और अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम मर गए, तो तुम्हारे इस भाई का क्या होगा, कभी सोचा है? नमस्ते साहब ऑफ इंडिया। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया, उनको मारने के बाद घर पे आ गए? अरे तुमको भी खत्म कर देंगे और इस कॉलोनी में सबको खत्म करके खुश हो जाएंगे। वो तुमने जिस आदमी को मारा है ना, वो बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी है। अरे उसने जितने खून किया ना, उसका इनाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, लेकिन ये उनको मिल नहीं रहा है। पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा है। अरे तुझे छोड़ेगा नहीं, वो सपने में भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा गला पकड़ करके खचा खच चाकू मारेगा। देखो तुम उससे बच नहीं सकते, चाहे कितना भी बच लो, वो तुमको जरूर मारेगा। मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी ऑफ इंडिया हूं। सिंपैथी ऑफ इंडिया, आताओ आताओ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे चलो चलो अंदर चलो। अरे चलिए, रुको, लगता है अंदर कोई हॉट न्यूज़ है। अरे हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ बड़ा हुआ है, और यहाँ आकर सबको परेशान कर रखा है। भैया लगता है आधी जान निकाल दी। हाँ बहन। अरे छोड़ दो, अरे माफ कर दो भाई, क्या कर रहे हो? पंगा भी लिया तो किस आदमी से लिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लगता है उसका असिस्टेंट है। कितनी गंदी बदबू आ रही है, मर्डर ऑफ इंडिया होने वाला है क्या? हे भगवान, इनको देखो, तुम लोगों ने तो हमें डरा ही दिया, पागल कहीं के। मुझे पहले ही लग रहा था ये गंदी बदबू कहीं और की नहीं, इनके बालों की है। ऐसे क्या देख रही हो, एक थप्पड़ मारूंगा। अरे रड़ा पानी रख के आया था, भूल गया, आ जाता हूँ। जैसे बकरी कटते वक्त चिल्लाती है वैसे चिल्ला रहे थे। अच्छा हुआ कटवा दिए मैंने, कब से पता नहीं ये बाल पाल कर रखे थे तुम लोगों ने। जब से ये चिंटू पैदा हुआ तब से मैं बाल बढ़ा रहा था। जब से भैया ने नहीं कटवाए मैंने भी नहीं कटवाए। अभी अंदर जाओ, इंसान लग रहे हो, नहा धो लो और ये कपड़े पहन लेना। हाँ भाई हाँ हाँ हाँ, अंदर चल चिंटू। भैया मैं रेडी। चिंटू मैं भी रेडी। मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे तू तो एकदम कृष्ण कन्हैया लग रहा है। ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम फिल्मी हीरो की तरह लग रहे हो। कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए, चल स्कूल। या आ, आ, आ जा। आ, चिंटू यहां तो बहुत शांति है, बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही। अभी क्या करें? अरे मेरे भाई जब आ ही गए हैं तो तुझे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ। कौन है, नीचे आओ। स्कूल स्कूल। अरे नीचे आओ नहीं तो मारूंगा। दो रुपए दूंगा, दो रुपए दूंगा, अंदर जाने दो। रे रिश्वत देता है, चल नीचे। अरे भाई क्या हुआ,
मैं तो आपको 2 रुपए दे रहा था, ज्यादा चाहिए क्या? नहीं, आज स्कूल नहीं है, स्कूल बंद है। क्या कहा, बंद है? ये बंद क्या होता है मासूमा फिंडिया? हमारा गांव हमेशा बंद रहता है, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, दो गुट आपस में लड़ते हैं, मारते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं। तो फिर स्कूल क्यों बंद हो गया? यही तो बात है, कल राजू की तरफ से बंद था, आज छोटू की तरफ से बंद है। बंद बंद सिर्फ बंद, मार्केट बंद, स्कूल बंद, खाना बंद, पीना बंद। अगर बंद है तो स्कूल बंद, और लोगों का खाना पीना बंद, और भगवान का मंदिर बंद, यहाँ का पुलिस स्टेशन सब बंद। ए, भाई किधर है? चाय पीने गए हैं। ओ भाई, भाई कहाँ? अंदर सेंटर में है। भैया, पार्टी वालों ने फिर से हमारे साथ धोखा किया है। राजू भैया को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया है। फिर से राजू भैया के आदमी हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करेंगे। पार्टी का प्रेसिडेंट बनते ही पुराने केस फिर से रीओपन करेगा। कल ही वो पार्टी ऑफिस में कदम रखने वाला है। प्रेसिडेंट राजू साहब जिंदाबाद, 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 प्रेसिडेंट राजू साहब जिंदाबाद। ये जरूर छोटू भैया का काम है। पार्टी ऑफिस को ताला लगाया है, उसके बाप का राज है क्या? पार्टी ऑफिस को ही ताला लगाया है ना? हमारे इरादों को तो नहीं ना? राजू साहब जिंदाबाद। हे, कौन अरे? जिसने मेरे अलावा इस जगह पे कदम रखने की हिम्मत की है, अगर एक कदम भी रखा ना तो मुंडी काट के फुटबॉल खेलूंगा। अरे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। देखो अगर तुम ऐसे बात करोगे तो क्या मेरे आदमी चुपचाप बैठे तो रहेंगे? क्या कर लोगे तुम लोग? बोलो ना क्या करोगे? चला के बढ़। क्या बक रहे हो? मुझे बचा लो, कैसे भी करके मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें किसने मारा और कब मारा बताओ ना मुझे। सर ट्रीटमेंट में देर हो रही है सर। अगर देर होगी तो स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। बोल काली, पार्टी ऑफिस के सामने तुझे किसने तलवार से मारा? बोल ना, बोल बोल बोल। इलाज के बिना ये मर भी सकता है सर। लेकिन उसका स्टेटमेंट तो जिंदा रहेगा ना। काली, अरे बोल, तुझे किसने मारा? सर प्लीज सर, इसका ट्रीटमेंट होने दीजिए सर। शट अप एंड डू योर ड्यूटी। पहले इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। काली बेटा बोल ना, बोल किसने मारा तुझे? बोल 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 बोल। हाँ बोल बोल। मुझे। हाँ हाँ तुझे। हाँ हाँ मुझे। हाँ तुझे। मुझे। हाँ बोल बोल किसने मारा? हाँ तलवार से मारा। नमस्ते छोटे भाई। हार पहन के नमस्कार करने की हालत में नहीं है तू? अगर तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं होता तो हम इतनी दूर से आते नहीं। जो तकलीफ दी है वो क्या कम है जो बढ़ाने चले आए? बात ये नहीं है छोटे भाई। मुंह बंद करो। ए, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है, तुम लोग बाहर जाओ। ए, तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल निकल। क्या छोटू भाई,
मेरे ऊपर तुम्हारा प्यार कुछ ज्यादा ही है। पब्लिक के सामने गाली देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाहर भेज दिया है। थैंक्स। हंस क्यों रहा है? अपना बकवास मुंह बंद कर, किसी काम का नहीं है तू। तलवारें चला के वोट मैंने दिलवाया, बम धमाके करके पोलिंग बूथ मैंने रुकवाया, खून पसीना बहा के तुझे जितवाया मैंने, अपनी ताकत के दम पे तुझे असेंबली तक भेजा, मेरे दम पे तू मंत्री बन गया, इस्तेमाल मेरा करता है और सीट उसे देता है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, याद रख। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है छोटे बाबू, आपको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो बनकर अपना बड़ा आया मुझे छुड़ाने वाला, ये सलाखे ये जेल चुटकियों में तोड़ के निकल जाऊंगा इसे, पर बाहर निकल के मुझे मिलेगा क्या, इसलिए यहीं रहूंगा, सूखी रोटी खाऊंगा, गंदा पानी पीऊंगा, यहीं बैठे बैठे शहर को तबाह कर दूंगा, देखना अपनी आंखों से पूरे शहर में तूफान आएगा, शमशान बना दूंगा पूरे शहर को। भाई लोग सुनो मेरी बात समझो, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर नहीं जाएंगे तो घर वाले परेशान होंगे, इन्हें जाने दो ना। ए, हम कुछ नहीं करेंगे, हट जाओ सामने से। ए, 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 अगर ये आदमी नहीं होता तो आज हमारा बेटा जिंदा नहीं होता। अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से हमारे बेटे की जान बचाई है। छी 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 छी, नॉनसेंस ऑफ इंडिया, न्यू सेंस ऑफ इंडिया, सेम ऑफ इंडिया। छी, ये लोग आदमी है या जानवर, इस देश का पता नहीं क्या होगा। क्या हो गया अपने देश को, कार्यकर्ता है या कसाई है, एक नंबर के कसाई। हे भगवान, दुकानों में हिंसा, लूट मार, औरतों के साथ बदतमीजी, बच्चों के साथ बेरहमी, चारों तरफ अत्याचार, मर्डर, बलात्कार, पता नहीं क्या होगा। साल के 365 दिन में सिर्फ दो दिन यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सब लोग मिलकर तिरंगे को सलामी देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी के 363 दिन गुंडों को सलामी देनी पड़ती है इस देश में। कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम सब। मेरी बहन आज हमें छोड़कर चली गई, इस इंडिया से हम और क्या उम्मीद करें। बहन, बहन। यस सर। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा गड़बड़ी नहीं हुई है। बस 10 बसें जलाई गई हैं, 35 दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, 2 सिनेमा हॉल को तोड़ दिया है, हाँ, और 200 लोग जख्मी हुए हैं सिर्फ। हाँ, आप एक काम कीजिए, पेपर में छपवा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना, वो जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, ठीक है। देखो हाई कमान ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। तो तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगे क्या? अरे उस छोटू ने
मेरे कार्यकर्ता को मार दिया तो क्या मैं ऐसे ही देखता रहूं? भाई तू चुपचाप बैठ नहीं सकता, उसके आदमियों को मार। पार्टी फंड से पैसे निकाल कर तलवार खरीदने के पैसे मैं दूंगा। क्या तुम लोग भी ऐसे आपस में झगड़ोगे तो कैसे चलेगा? पार्टी को तुम दोनों चाहिए। उस छोटू के ऊपर से कैसे भी करके केस वापस ले लो। अगले इलेक्शन में सीट तुम्हारी, कोई ना कोई मिनिस्ट्री दिलवा दूंगा तुम्हें। मिलोर, गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसको पूरी तरह भूलकर आज शहर में लोग क्या क्या कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। कल जो शहर के अंदर लोग मरे कटे उसका कारण सिर्फ और सिर्फ छोटू है, और इस घटना में जो कुछ भी नुकसान हुआ हमें उससे ही वसूल करना चाहिए, नहीं तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, और जो लोग मरे हैं उसके ऊपर केस डालकर उसे फांसी की सजा सुनानी चाहिए। मिलोर, गुंडों को खत्म करना होगा, अन्याय को खत्म करना होगा। ए रिक्शा वाले, तुझे रात को नींद आती है क्या? नींद? रात को बिस्तर पर से गिर गया था ना, पूछती है नींद नहीं आती क्या? क्या हुआ था रे, बता मुझे। ऊपर से मच्छर काटते हैं, नीचे खटमल खून चूसते हैं, तुम ही बताओ नींद कैसे आएगी? हाँ। तेरी ये हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता है रे। अरे तू एक काम कर, एक खूबसूरत समझदार लड़की देखकर शादी कर लेना तू, समझा? उसके बाद देखना तेरे बिस्तर पे मच्छर खटमल कुछ भी नहीं आएंगे। क्या सच में? हाँ सच है, अगर शादी कर लिया ना घर खूबसूरत होगा। हाँ? खूबसूरत बीवी, तू रिक्शा चलाकर थक हार कर जब घर आएगा। हाँ? वो तेरे सामने खड़ी रहेगी। हाँ? अपना पल्लू गिराएगी। हाँ? और तेरा पसीना पोछेगी, तुझे बाथरूम में लेकर जाएगी, फिर तुझे बोलेगी अपने कपड़े उतारो। बाथरूम में? हाँ, फिर वो तेरे बदन पे साबुन लगाकर तुझे नहलाएगी और फिर गरम गरम चाय पिलाएगी। क्या चाय? हाँ चाय भैया। और खाना खाने के बाद चिंटू फिर वो बिस्तर सजाएगी, उसके बाद प्यार भरी बातें करेगी, फिर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी। पर ये सब करने के लिए तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना होगा, उसके बाद तो मैं तेरी हो जाऊंगी, तू हमेशा मेरे करीब रहेगा। अरे बाप रे, मेरा चिंटू स्कूल में फर्स्ट आया है। ये सब पढ़ाई की देवी का कमाल है, उनका शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? पढ़ाई देवी को थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? दोनों हाथ पकड़कर हाथ मिलाकर थैंक यू बोलना चाहिए। हाथ मिलाकर थैंक्स? हाँ। थैंक्स या थैंक्स या थैंक्स थैंक्स या आजा। पढ़ाई की देवी, अपना चिंटू स्कूल में फर्स्ट आया है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। एक गंवार को आपने इंसान बना दिया, उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया। आपको कुछ भी दूंगा तो ऋण खत्म नहीं होगा। या मैं आपके लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ, रख लीजिए, इसे रख लीजिए। भैया भैया, आपके लिए साड़ी भी लेकर आया हूँ, ये भी लीजिए। भैया भैया, और ये देखिए आपके लिए मैं फूल भी लेकर आया हूँ, इसे भी रखिए। अब और मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं? हाँ, हाथ दीजिए, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है तू? अरे गांव से आया है, ये मासूम है, इसे ज्यादा बात करने नहीं आती, देहाती है ना, और इसके छोटे भाई को मेरी बेटी पढ़ाती है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ गया है। अगर ये सीधा साधा भोला भाला है तो इसी से शादी करवा दीजिए ना। देखिए साहब, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, आप इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी बोली भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। लेना देना तो हो ही गया इनके बीच, और क्या बचा, और बाकी सब भी करवा लेना। ए, चलो चलो, 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 चलो। अरे तू कहां से आ गया, हमारे लिए अभिशाप बनकर आया है तू इस घर में। तेरे भाई को हमने पढ़ाया, इस बात का ये सिला दिया तूने इस लड़की को। निकल जा यहाँ से, अब और क्या करना बाकी रह गया है, जो करना था वो तो कर दिया ना। चीची। ये मुझसे क्या हो गया, चार अंग्रेजी क्या सीख गया, मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया।
इधर मेरा खून जल रहा है और उधर तू आ आ ई ई गा रहा है। अब बताएगा भी कि तू क्या लिख रहा है? हाँ हाँ, मैं जो लिख रहा हूँ हो गया तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। हाँ, बता क्या लिख रहा है तू? पढ़ाई दी भी अगर मेरी भाभी बन गई तो। क्या रे, दिमाग खराब हो गया है तेरा? तेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है क्या? अपनी जुबान पे लगाम देना सीख। पता है वो कौन है? पढ़े लिखे आदमी है वो, और हम जाहिल और गवार हैं। एए! उनका और हमारा कैसे मिलन हो सकता है? ऐसी बात तेरे दिमाग में आई कैसे? एए, चुप हो जा। ये फूल, ये चूड़ियाँ और ये साड़ी, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। आपको हाँ। मेरी पसंद के बारे में किसने बताया? थैंक्स। हाँ। ए चिंटू। भैया। किस्मत की रेखा क्या कह रही है? तुम ही बोलो। अगर वो तेरी भाभी बन गई तो? आपका दिमाग खराब हो गया? पता है ना वो कौन है? ब्राह्मण, पढ़े लिखे लोग है वो, और हम कौन है? अनपढ़ गवार। पिछले हफ्ते शहर के अंदर जो तोड़फोड़ और हिंसा हुई, आप और आपके साथी उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए लॉयर सुंदर जी ने जो आपके ऊपर केस डाला है वो कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है। इस महीने की 23 तारीख को आप सबको कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपको मुजरिम करार देकर आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिंटू, 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 हाँ, चिंटू, है चिंटू, हाँ, चिंटू, क्या हुआ चिंटू? बोल ना, क्या हुआ? बोल चिंटू, तू इतना डरा हुआ क्यों है? भैया, हाँ बोल ना चिंटू, क्या बात है? वो है ना? अच्छी तरह से देख और बता कौन है। डर मत मेरे भाई, वकील साहब ने हमें जिंदगी जीना सिखाया। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो हम अपनी जान देकर भी उन्हें न्याय दिलाएंगे। देख चिंटू, अच्छी तरह से देख, देख ना मेरे भाई, वो लोग इनमें हैं। भैया, चिंटू, ए चिंटू,
ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? तू हम पर पुलिस केस करेगा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? सुबह तक अगर तू शहर छोड़कर नहीं गया ना तो तुझे काट कर यहीं पर फेंक देंगे। भैया 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 शहर छोड़कर चले जाते हैं भैया, भैया इधर रहेंगे तो वो हम लोगों को मार डालेंगे, कहीं चले जाते हैं भैया, कहीं चले जाते, कहीं चले जाते। हम राजू भाई के आदमी हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, राजू भाई का फुल सपोर्ट है, तुम्हारा छोटा भाई कोर्ट में गवाही देगा, आओ जीप में बैठो। अब, भाई साहब आप लोग अपने झगड़े के बीच हमें मत लाइए, हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, अब इस शहर में हमें नहीं रहना है। ए, ज्यादा चालाकी मत कर, चुपचाप गाड़ी में बैठ। क्या रे इससे बात कर रहा तू, अगर ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा तो इसे मारेंगे। बात करके टाइम खराब मत करो, चलो हमारे साथ चलो। ए, भाई साहब बात सुनिए, हमें जाने दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना है। अरे क्या कर रहे हैं? आंखें बंद नहीं करना। हे चिंटू मुझसे बात कर बेटा, मुझसे बात कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। भैया चिंटू, चिंटू तुझे कुछ नहीं होगा, बस तू हिम्मत से काम ले। हे चिंटू, चिंटू आजा बेटा, चिंटू ए चिंटू आंखें खोल बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। चिंटू तू अपनी आंखें खोल,
चिंटू हम बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तू बस अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। ए, तुझे बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है। चिंटू तू बड़ा आदमी बनेगा ना, हाँ तू मेरा सपना पूरा करेगा ना। चिंटू आंखें खोल बेटा, मुझसे बात कर। हाँ, देखो देखो हॉस्पिटल आ गया बेटा। ए, चिंटू, ए, चिंटू, आंखें खोल। अरे देख सामने हॉस्पिटल है बेटा, हम पहुंचने ही वाले। चिंटू मेरी तरफ देखना। ए चिंटू चिंटू, ए भगवान मैं क्या करूं। ए चिंटू अपनी आंखें बंद मत करना। चिंटू ए चिंटू चिंटू तुझे बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। चिंटू 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 चिंटू, चिंटू 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 चिंटू। निकले यहाँ से, चलो। ए, बुलाने पर आता नहीं है सब। जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी आत्मा को मार दिया। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने बेरहमी से उसकी जान ले ली? क्या बिगाड़ा था हमने? ए,
उसी के लिए मैं शहर आया था और उसी के लिए मैं शहर छोड़कर जा रहा था। अब जब वही नहीं है तो फिर मैं किसके लिए डरूं? अब मैं इसी शहर में रहूंगा, इसी शहर में, और तुम्हारे जैसे लोग जो गरीबों और कमजोरों पे जुल्म ढाते हैं उन्हें मारता रहूंगा। Come on! रुकिए, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इसे? कल रात को इसने 10 बजे 4 लोगों के बीच रोड मार डाला। कल रात 10 बजे? हाँ। ये झूठ है, क्योंकि कल रात 10 बजे ये हमारे घर थे। हमारे घर में सांप दिखा था, तब इन्होंने ही मारा था। मेरा बेटा पूजा पाठ करने जा रहा था और पूजा का सामान निकालने के लिए जैसे ही मैंने कबर्ड खोला, इतना बड़ा सांप बाहर निकला। मैं तो घबरा ही गई थी। मैंने ही शारदा से कहा था कि इसे बुला कर लिया, तो शारदा इसे बुला कर लाई। सांप को मारने के लिए डंडा मैंने ला कर दिया था। तब लाइट भी नहीं थी, मैंने ही घर से टॉर्च ला कर दिया था इनको। सांप के मरने के बाद सब लोगों ने उसे जलाया भी था। हाँ सर, सांप जब मर चुका था ना, तब उसको बांधने के लिए मैंने अपना नाड़ा भी ला कर दिया था। सर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं रात को ड्यूटी से घर पर आ रहा था तो मैंने देखा सब लोग सांप को जला रहे थे। जाबिद, तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ बोलने के लिए यहाँ पर काले कोट, खाकी वर्दी या आंख पे पट्टी नहीं बंधी है। ये हमारी बस्ती है इंस्पेक्टर, बस्ती। क्या बकवास कर रही हो? जो लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, जाकर उनको सबक क्यों नहीं सिखाते? आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। जब तुम लोगों को ना अंदर लॉकअप में डाल के धुलाई करूंगा तो अकल आएगी। ए, ले चलो इन सबको। स्टॉप इट। क्यों रे, जब इतने सारे लोग तेरे सामने इस बात की गवाही देने को तैयार हैं और तू अनसुना कर रहा है? सर वो बात नहीं है, कानून सिर्फ सबूत पर यकीन करता है। जो सांप मर गया उसे सामने लेकर आ, अगर वो सांप खुद आकर अपनी गवाही दे देगा तो हम यकीन कर लेंगे, वरना नहीं। पर सर इंक्वारी... जो इंक्वायरी करनी थी वो कर ली, चलो निकलो। सर मैंने कहा जाओ यहां से। ठीक है सर। पुलिस रिकॉर्ड के 109 गुंडों में से सिर्फ 4 मरे हैं अभी, 105 अभी भी बाकी हैं और कानून से वो बचने वाले नहीं।
एसपी राजाराम ही हो। क्यों रे, पहचाना मुझे? सोच रहा होगा कि मैं कैसे बाहर आया। मेरे आदमियों को जानवरों की तरह मार डाला और उस लड़की ने जो गवाही दे दी तो तू उस पे विश्वास कर लिया, उसका साथ देने लगा? क्या है, क्या है ये सब? हे, 24 घंटे के भीतर अगर उस जंगली और उस टीचर को मैंने नहीं मार डाला ना, तो मेरा नाम भी छोटू नहीं। हाँ, उसके बाद देखता हूँ तू और तेरा डिपार्टमेंट मेरा क्या उखाड़ लेते हैं। समझा? तेरी इतनी हिम्मत? देख, आंखें फाड़ के देख इसे अच्छे से। मेरे आदमियों को जिसने मारा है उसे बचाने के लिए तू उसका साथ दे रही है? ए, तेरा घर और तेरा अहंकार तोड़ने के लिए तुझे यहाँ उठा के लाया हूँ। नहीं, पेट्रोल डालकर तेरे बाप को चलाया था, एसिड डाल के तेरी खूबसूरती को राख करूंगा। तेरी इज्जत नहीं उतारी ना, तो मेरा नाम भी छोटू नहीं। गोली चलाएगा? चला गोली, चला गोली, चला। इस खेल में जीत मेरी होगी। ए, इन तीनों को पकड़ लो और इन्हें जान से मार डालो। स्टॉप! वही रुक जाओ, वही रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। हथियार फेंको, फेंको हथियार। वाह 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 वाह, अरे कितनी हिम्मत की है तूने। हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, अगर गुंडे राजनीति में आएंगे तो बेकार के झंडे गाड़ेंगे ये लोग। तूने जो काम किया है ना,
तेरी पासपोर्ट साइज मुझे अपनी जेब में रख के चलनी चाहिए हमेशा रे। तुझे देखता हूँ ना तो मुझे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की याद आ जाती है। काट डालूंगा। नमस्ते भाई। सैल्यूट भाई। इसी तरह भाई, इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। इनके डर से कोई आदमी इनके सामने आवाज नहीं उठाता, लेकिन तुमने इनका सामना किया है। ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। काट डालो सबको। ललकारने के लिए कोई भी ललकार सकता है, लेकिन सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ शेर ही सामना करता है। गीदड़ों के अंदर सामना करने की हिम्मत नहीं होती। पहली बार हमारे बीच में एक शेर आया है। ये होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये होगा करेज ऑफ इंडिया। करेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना हो रही तो हमको हमारा धंधा क्यों बंद करना होगा? ये मार्केट तुमने खरीदा है भाई। इधर देखो, तुम तो मंत्री हो ना? कहां के मंत्री हो, किस गांव के मंत्री हो? इसको तो अकल नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अकल होनी चाहिए ना। लोगों की रोजी रोटी बंद कराकर, बाजार बंद कराकर क्या हासिल करने के लिए यहां मीटिंग रखी है? जो जी रहा है उन्हें मारकर, मरे हुए को हार पहनाकर कैसी राजनीति कर रहे हो तुम लोग? सबकी जान ले लूंगा, अहंकार तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है, काट के फेंक दूंगा। आज के बाद ऐसी गलती नहीं, हमारे देश के नेताओं को गुनाह करने से और गुनहगार से दूर रहना चाहिए। गांव के बीच में ऐसे गुंडे की मूर्ति लगाकर, और वो भी हमारे देश के महान नेता बापू के सामने, बिल्कुल गलत है ये। तोड़ डालो इसे। शारदा, मेरी मदद करोगी? हाँ बोलो जानकी। बाजार में ट्यूटोरियल कॉलेज के पास ना मेरे भाई ने अपनी एक दुकान खोली है।
बगल में ही एक शराब की दुकान है, वहाँ लोग पी पी कर हंगामा करते रहते, सबके सब गुंडे हैं। मेरे भाई ने आवाज उठाया तो उसे मारा। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही हो जो मदद कर सकती हो, अपने पति से कहकर। ये तुम क्या कह रही हो जानकी? तुम मेरे पति को क्या गुंडा समझती हो? वो मेरा घर है, किराए पर मिलने वाले गुंडों की दुकान नहीं है, समझी? मेरे पति को शादी में बुलाने की बजाय ऐसी जगहों पर बुलाते हैं। ऐसे बदमाशों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए मेरा पति कोई गुंडा नहीं है। देखो जानकी, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले हैं, तो वहाँ जाकर कंप्लेन लिखाओ। सुन तो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये पकड़, ये पकड़, अरे पकड़ दो, अरे देखो चाकू को देखकर तुम्हारा बच्चा कैसे उछल रहा है। तू बिल्कुल फिकर मत कर, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, मैं तुझे AK-47 ला दूंगी। रोजी जरा यहाँ आओ। क्यों? तुमसे बात करनी है। देखो हम लोगों को हमेशा तैयार रहना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहले शुरुआत हम नहीं करेंगे। भाई अगर लेट भी हुए तो तुम लेट मत करना, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो काम शुरू कर देना। चलो आओ। तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। जब तक जिंदा रहोगी ऐसे ही हथियारों के साथ खेलती रहोगी क्या? इतने लोगों का दिल जीत लिया और क्या करने का इरादा है? पागल, श्री राम भगवान है तो उन्होंने लड़ाई क्यों की? श्री कृष्ण भगवान है तो फिर उन्होंने चक्र क्यों उठाया? देवी काली ने तलवार, बताओ किस लिए? जब प्यार से बात नहीं हो पाती ना तो हथियार उठाना होता है। रोजी, हथियार उठाने के लिए हम कोई भगवान नहीं है, इंसान है हम, समझी तुम? क्या बात है, आज सुंदर जी की बेटी गांधी जी के शब्द बोल रही है। इन सब चीजों पर कभी न कभी फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा रोजी। तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। क्या मतलब? कब तक ऐसी जिंदगी जियोगी तुम? तुम्हें मन नहीं करता कि तुम्हारा एक परिवार हो? रोजी तुम जल्दी से शादी कर लो। शादी मुझे? शादी कर लूंगी जब तुम बोलोगे। तभी के तभी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, अपने पति से करवाएगी तो अभी कर लूंगी। क्या गलत कह दिया मैंने जो इतना शॉक्ड हो गई? जैसे तुमने प्यार किया वैसे मैंने भी प्यार किया है। तुम्हारा प्यार पास हो गया और मैं उसमें फेल हो गई, और इसीलिए मैं शादी कभी नहीं करूंगी। तुम्हें जिंदगी खेल नजर आ रही है रोजी, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? तुमने कभी सोचा? तुम्हारा पति एक योद्धा है, जब भी युद्ध में जाएगा जीत कर ही आएगा। हाँ, वो जैसे ही यहाँ आए उसे कहना गांधी चौक पर आ जाए, वहाँ झगड़ा होने वाला है, और बिल्कुल ही देर ना करे। अब वो क्या है कि बस ऐसे ही किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो ये खून थोड़ा सा लग गया। तुमने खाना खा लिया क्या? ए, थिएटर में एक नई फिल्म लगी है, बहुत अच्छी फिल्म है। जब मैं आया था तो टिकट बहुत सस्ती थी, लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन अब तो है। अब अरे दीदी, अब तो हम फिल्म देख सकते हैं। मेरी पढ़ाई की देवी, खाना नहीं खिलाओगी? तुम्हारे हाथ से खाना खा खा कर मेरा पेट बाहर आ गया है। अपने हाथों से खाना खिलाओगी? ए, तुमने बोला इसीलिए मैं खाना खाने बैठा था, दरअसल मुझे भूख ही नहीं है। रोजी ने कुछ बोला क्या? मेरे दिल की बात, मेरी अंतरात्मा की बात आप कब सुनेंगे? जानती हो तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए पहले। ये स्कूल नहीं है जो सवालों का जवाब दूं, जिंदगी है।
जो इंसान अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनता वो कैसा पति, बताइए। शारदा, आप हमारे लिए जी रहे हैं, अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं या पूरे गांव के लिए जी रहे हैं? जब आप घर से जाते हैं तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, जिंदा आएंगे भी या नहीं, ये फिक्र लगी रहती है। आखिर ऐसा कब तक जीऊंगी मैं? जब तक मैं जिंदा। भाई, भाई राजू के आदमियों ने हमला किया है भाई, रोजी घायल हो गई है भाई। तुम लोग क्या कर रहे थे? आपका इंतजार कर रहे थे। ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं खबर की? रोजी ने टीचर जी से बोला था। रुकिए, आप नहीं जाएंगे। शारदा, वहां रोजी की जिंदगी, यहां आपकी बीवी और आपके बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो लोग एक दिन तक रोएंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे रोना होगा। क्यों रोना पड़ेगा? आज लोगों की रक्षा कर रहा हूँ तो रोना आ रहा है? जब गुंडों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की तब रोना नहीं आया? मैंने उन सबको मार दिया। जब चारों को मारा तब रोना नहीं आया? उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि क्यों मारा मैंने? मेरे सर पर पानी डालकर नहलाया और क्यों घर में आने दिया मुझे? जब उस दिन पुलिस आई थी तब क्यों उन्हें भगाया तुमने? हा? और उस दिन जब तुम्हें उठाकर वो ले जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कुछ बोला? बोलो ना। आज यहाँ के सारे लोग मुझे भाई भाई कहकर बुलाते हैं और उन सबकी माँ हो तुम, ये मत भूलना। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आज आपको जाना ही है तो अपने बेटे को पार करके जाइए। जिंदगी के लिए मैं 100 की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मैं कायर भाई नहीं बन सकता। ये भाई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। पागल हो गई है क्या? अपने सुहाग और अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर यहाँ चली आई? रुक जा। अरे रुक जा। नहीं, उसे यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कहती है क्या? नहीं, पर एक मरती हुई माँ ऐसा कह सकती है। शारदा, अपने प्यार से तो उन्हें ना बदल सकी। सोचा था कि बच्चा होने के बाद वो बदल जाएंगे। वो जो काम कर रहे हैं उससे हमारे बच्चे को क्या नुकसान होगा? चिंटू को खोने के बाद कम से कम अपने बेटे को नहीं खोना चाहेंगे। इसलिए दादी, दिल पर पत्थर रखकर यहाँ आई हूँ। बेटी चुप हो जा, बेटी चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। क्या सीता माँ, बेटे के कॉलेज सीट के लिए आई हो ना? मैं बात कर लूंगा। सुनो, अच्छी तरह पढ़ाई करना। भाई। क्या बात है नारायण? भाई, कल रात मेरे भाई को स्टेशन के बाहर बहुत मारा। कल रात को? हाँ। तेरे भाई ने सच में चोरी की है नारायण, और एक चोर को मैं कैसे अच्छा इंसान बोलूं? हाँ, अपने भाई को बोलो एक महीना हवालात में दाल चावल खाए, तब उसको अकल आएगी। भाई क्या हुआ बताओ? क्यों रो रही हो, बताओ क्या हुआ? भैया, मेरे बेटे ने मुझे मारा। हाँ? उसका साला, उसके ससुराल वाले सब उसके अपने हो गए और मैं पराई हो गई। काली, इधर आओ, इसके बेटे को उठा कर लाओ। अरे रे बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। अरे
बेटा, मुझे तो लोरी सुनानी भी नहीं आती। चुप हो जा बेटा। अरे चुप हो जा बेटा, तेरे बाप ने पूरे गांव में उधम मचा के रखा है और बेटा पूरे घर में। अरे रे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे रे 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 रे, ले ले बेटा ले ले। असल में ये तो दूध के लिए रो रहा था। बच्चे किस लिए रोते हैं ये बात औरतों को पता होनी चाहिए। क्या मतलब, मैं तुम्हें औरत नहीं लगती क्या? अगर पल्लू नहीं गिरता तो अभी भी पता नहीं चलता। चल 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 चल। क्या भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? भाई उसे बिना मारे पूछ लो। भाई एक बात पूछता हूँ, बता माँ क्या होती है तो जानता है ना? जन्म देने वाली माँ होती है। सोच समझ के बोल। जाने नहीं माँ, और बताओ और क्या? सच में तू नहीं सोच रहा है। जननी मतलब जन्म देने वाली, माँ मतलब जिंदगी देने वाली, समझा? दोनों के मेल से माँ बनती है। चलो उठ। ये जिंदगी तेरे को किसने दी? देख माँ ने। चोट लगती है तो माँ माँ चिल्लाते हैं, पत्नी नहीं, ससुर जी नहीं, सास नहीं। कभी चिल्लाया क्या? जिस माँ को एक टाइम खाना नहीं खिला सकता उसे माँ कहने का हक तुझे किसने दिया? आज तू सीना तान कर खड़ा है, तेरे को तो पेट में ही मार देना चाहिए था। जब तू बहुत छोटा था ना, अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाता था तो तेरा सूसु संडास तक धोती थी, तुझे नहलाती धुलाती थी, और उसी माँ को मारा तूने। तेरे को अगर दर्द हुआ ना तो माँ कितना रोती है पता है तुझे? इन सब का हिसाब दे तू। चल हिसाब दे। सुनो, ले जाकर इसे बंद करो और एक एक पैसा वसूल करो। बीवी से, साला से, ससुर से, सास से, सबसे वसूल करो। भाई अकल मारी गई थी भाई। अकल मारी जाती है तभी आदमी जानवर बनता है, इसीलिए बंद करने को बोला। सोच कह रहा हूँ, ले जाओ इसे। नहीं भाई, माँ को कोई तकलीफ ना हो इस तरह से देख रेख करूंगा। मेरा पाँव क्यों छू रहा है? अपनी माँ के पाँव छू। रहने दो भाई, ये झुक नहीं सकता, इसकी पीठ में दर्द होता है। देख ये होती है माँ, आज के बाद माँ को संभाल कर रखना। अब जा, आप जाइए माँ जी, जाइए। ओहो, सफाई ऑफ इंडिया, क्या बात है, क्या चल रहा है आजकल? रोड की सफाई चल रही है क्या? लगता है दुनिया बहुत पलट गई है, या लगता है तुम लोग पागल हो गए हो? अरे मंत्री जी आ रहे हैं ना। मंत्री जी आ रहे हैं? मंत्री जी आते हैं तो रोड साफ होती है, और जब यहाँ पे रोज गंदगी होती है तो उसकी सफाई बिल्कुल नहीं होती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? सिर्फ मंत्री जी आते हैं तभी रोड साफ होता है, चूरा लगता है, ऐसा क्यों है? मुझे पता नहीं भाई। तो पता लगाना चाहिए ना। दरअसल मुझे ये डाउट ऑफ इंडिया लगता है, मंत्री जी सिर्फ वोट ऑफ इंडिया के लिए सब कुछ करते हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं होता है। अगर तुम लोग सफाई नहीं करोगे तो तुम लोगों की नौकरी चली जाएगी, इसलिए तुम लोग रोड साफ कर रहे हो ताकि उन्हें बोल सकूं कि रोड साफ है, यही है हेल्थ ऑफ इंडिया। भाई हमें कुछ नहीं पता है, हमें सफाई करने दो ना। कोई जरूरत नहीं है सफाई करने की। हमारा शहर कभी साफ किया, मोहल्ला साफ किया? पहले उधर करो उसके बाद इधर करो, वरना मैं आंदोलन करूंगा। पब्लिक ऑफ इंडिया, आंदोलन करूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, सफाई करो मोहल्ले की। क्या तेजपाल जी, रास्ता भूल गए क्या? जो रास्ता भूल जाते हैं उनका रास्ता यहाँ आकर खत्म होता है। अरे भाई हम लोगों को झंडे की क्या जरूरत है, तुमने तो लोगों के दिलों में झंडा गाड़ दिया है, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। जिस काम के लिए आए हैं वो बताइए। चलो अंदर चल के बात करेंगे। जनता की वोट से जीते हैं, जनता के बीच में बात करने से क्यों डर रहे हैं? नहीं नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो फिर बैठिए ना, बैठिए बैठिए मंत्री जी। मेरे आदमी लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, आप आराम से बैठिए। अपने तरीके का कानून चला रहे हो तुम, फैसला भी तुम ही करते हो, सजा भी तुम ही सुनाते हो। आने वाला इलेक्शन नहीं होगा यही सवाल कर रहा था। अच्छा सही सवाल किया। 23 राज्य, 125 मंडल, 30 करोड़ जनता इस राज्य में, 125 विधानसभा सीट, 16 लोकसभा की सीट, 3000 सरकारी कर्मचारी, गंगा की सफाई में कितना खर्च हुआ इसका हिसाब नहीं मांग रहा। सवाल ये भी नहीं है कि इस राज्य में कितने प्रोजेक्ट्स बने और उसे बनाने में कितने पैसे खर्च हुए और उसमें कितने नेताओं ने और कितने सरकारी कर्मचारियों ने पैसे बनाए, ये नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ ये मांग है कि यहाँ की जनता को पीने के लिए साफ पानी दीजिए। अगर अच्छा पानी नहीं दे सकते हैं तो बताइए आपको जिताने के लिए हम क्यों वोट दें? इसीलिए हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। यही जोश, यही यही समझदारी और जोश चाहिए आज देश को चलाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ, एक बड़ा पद देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गंदी राजनीति में आकर मुझे अपना चरित्र गंदा नहीं करना है, मेरा कैरेक्टर बिगाड़ने की कोशिश मत करो, मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए। अगर पद नहीं होगा तो जनता की सेवा कोई क्यों करेगा, किस लिए करेगा बताओ? इस सवाल का जवाब देने के लिए
महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, राजेश चेतन जी या सुंदर जी अब नहीं। सोचा था तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन समझदार भी हो गए हो। मानता हूँ कि ऐसी समझदारी देश को चाहिए, है ना? लेकिन राजनीति में अच्छे लोगों को मार दिया जाता है। जरा संभल के तुम सही सलामत रहो, यही तो मैं चाहता हूँ। हम जंगल में रहने वालों को जानवरों से मुकाबला करना आता है। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, चाहे सामने कोई राक्षस ही क्यों ना हो। लगता है आपको भी भूख लगी है, कुछ गर्म खाना मंगाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, जितना खिला दिया उतना ही बहुत है, चलता हूँ। अरे अरे रुकिए, आप मंत्री हैं, कोई शॉप ओपनिंग करने भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लाने के लिए बोलते ही हैं। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे सुनो, लेकर आओ। आपने पिए? कल रात को दारू पी के इसने एक वॉचमैन की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। हमारे आदमियों ने इसका रिपेयर कर दिया, लेकर जाइए। मेरे पियो को मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरे को नहीं मारा, इसका एहसान मान, चल जा। सुनो, ले जाकर इसे डिक्की में डाल दो। आजकल हमसे भी बड़ा हो गया है। एक समय था जब तुम्हारे पीछे 10 आदमी और मेरे पीछे 100 आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज देख रहे हो, हम जहाँ भी जाते हैं अकेले ही जाते रहते हैं। हमारे सारे के सारे आदमी जाकर उसके साथ मिल चुके हैं। तुम्हारे और छोटू की लड़ाई में वो सबका रक्षक बन गया। अब तुम दोनों एक हो जाओगे तो फिर हमारी पार्टी का क्या होगा? वो तो वैसे भी गर्त में जा रही है। तो मुझे क्या करना है वो बता दो ना, उसके पास जाके उसके पाँव में गिरूं और नाक रगड़ूं, बोलो यही चाहते हो? क्या करोगे तुम? बताता हूँ, इलेक्शन आने वाले हैं, हमारी पार्टी पूरी तरह कमजोर हो गई है। अगर हमने भाई का मुकाबला नहीं किया तो गांव में कोई भी आकर हमें चप्पल उठाकर मार सकता है। इसीलिए अगर भाई का मुकाबला करना है तो उस छोटू भाई और तुम दोनों की ताकत एक हो जानी चाहिए। झंडे कितने गड़ेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बम कितने फूटेंगे ये इम्पोर्टेंट है। गुंडागर्दी और राजनीति को एक करना होगा, और ये सारा काम मेरे इशारे पर होगा। इस भाई को बहुत जल्द खत्म करना होगा। मैं छोटू भाई को परोल पर बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। छोटे भाई जिंदाबाद, 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 छोटे भाई। अगर मेरे नाम के आगे भाई जोड़ा ना, हाथ काट के फेंक दूंगा, खाना खाने के लायक नहीं रहेगा। छोटे बाबू जिंदाबाद, 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 छोटे बाबू जिंदाबाद। आग और घास लेट मिल गए, बस अब पेट्रोल की जरूरत होगी। हेलो। जब तक उस भाई का खात्मा नहीं होता हम सोएंगे नहीं। क्यों रे, तू मेरा ट्रांसफर करवाएगा यहां से? इससे ज्यादा तुम लोग कर भी क्या सकते हो? ए, मैं खाकी की सेवा करता हूँ और किसी भी चुनौती से नहीं डरता। जहाँ भेजना है भेज दे मुझे। ए, मेरे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर तुमने एक ईमानदार आदमी से पंगा ले लिया है। वो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा, तुम्हें ऐसी जगह चोट देगा जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो जनता का नायक है और तुम सबकी वो वाट लगा देगा। वाट, वो आज का नायक है, माइंड इट। छी 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 छी, नॉनसेंस ऑफ इंडिया, बेवकूफ ऑफ इंडिया। हमारे शहर में एक नया एसपी आया है, यहाँ पर लोग जी खा रहे हैं, भीख मांगने वाला भी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। अब वो क्या करेगा, अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। जो मंदिर में खाना खा रहे हैं वो उनको जाकर के वहाँ पर मारता है। जहाँ भी जाता है लोगों को बस मारता ही रहता है, इसको मारता है, उसको मारता है, इसको भी मारता है। मैं उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। Hey, powers of India, stop! सर यही भाई का आदमी है सर। Hey! आगे बढ़े तो मर जाओगे। मैंने बेल्ट में बम बांधा हुआ है, मेरे पूरे शरीर में बम है, कोई कितना भी बटन दबाए ये नहीं फटने वाला है। लेकिन पुलिस की गंदी नजर पड़ते ही ब्रूम ब्राम फट जाएगा ये, इसलिए पीछे जाओ, क्विक 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 पीछे जाओ। ये तो दिमाग से पागल लग रहा है सर, ये भाई का खबरी है, पागल है, कहीं सच में बम से न उड़ा दे। क्या आप खुसर पुसर हो रही है? एक गुंडे ऑफ इंडिया,
भाई को मारने के लिए आए हो? भाई ने क्या गलत किया है बताओ? 10 लोगों की धुलाई की है? आवाज बिल्कुल नहीं, डंडा नीचे कराओ, सुनाई नहीं देता, बटन दबाओ क्या? हाथ ऊपर कराओ, हाथ ऊपर कराओ। अब जो मैं बोलूंगा वही तुम बोलोगे, भाई जिंदाबाद। सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई जिंदाबाद, बोलो वरना बम फोड़ दूंगा। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। ऐसे बोलोगे? सुबह खाना नहीं खाया था क्या? तुम लोगों के पास एनर्जी नहीं है क्या? जोर से बोलो जिंदाबाद, जैसे पुलिस स्टेशन में गालियां देते हो वैसी आवाज आनी चाहिए, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। चिल्ला कर बोलो भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। जोर से बोलो भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। स्टॉप, इतने जोर से बोलो कि सबको सुनाई देना चाहिए, इंडिया के एक एक आदमी को, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। पीछे मुड़ो, चलो लेफ्ट, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। नहीं भूत बम है, बेवकूफ बनाया पुलिस वालों को, बेवकूफ बनाया। अरे तुम लोग जाओ, मैं निकलता हूँ। मेरे पीछे है इंडिया, भागो ऑफ इंडिया। मुझे पकड़ के दिखाओ तो जानू। टीचर, ये कवर आपको किसी ने दिया? कौन? मुझे नहीं पता। थैंक्स। मैडम जी, आपका फोन आया है। हेलो। कैसी हो पढ़ाई की देवी? इतने सालों तक मुझे जेल के अंदर रखा और उस जंगली को अपना पति बनाकर अपनी जिंदगी आराम से जी रही हो। तुम्हारी जिंदगी का राहु काल शुरू हो चुका है। मैंने जो फोटोज भेजी वो देखा ना तुमने? एक घंटे के अंदर उस फोटो की लिस्ट में तुम्हारा बेटा भी होगा। अगर तुझ में या तेरे पति में हिम्मत है तो आके रोक ले मुझे, आएगी ना? मेरा बच्चा। हाँ हाँ, चुप हो जा, ला रही हूँ बेटा। तेरे माँ बाप के झगड़े के बीच में मुझे पिसना पड़ रहा है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। कोई है? Oh, my God.
मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ शारदा? बेटा उन्होंने मुझे मारा और बच्चे को लेकर चले गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ए, रोजी, रोजी, ए, काली, जल्दी से गाड़ी निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं नहीं, आज नहीं तो कल जाने वाली हूँ। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पढ़ाई देवी, मैं अपना प्यार भी नहीं पा सकी, लेकिन अपनी जान दे रही हूँ। रोजी, तुमने आज जैसे घर के बाहर कदम रखा, दोबारा मत करना कभी। रोजी, अपने पति और अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। इस जन्म में तो नहीं हो पाया, पर अगले जन्म में मेरे प्यार को पास करना। नहीं, नहीं रोजी। अब मैं जा रही हूँ। रोजी, तेरी इतनी धुलाई हुई, तू गांव छोड़कर यहां शहर आ गया और क्लीन शेव करके सफेद कपड़े पहनकर खुद को भाई बना लिया। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। हां, खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है तू? मिनिस्टर के पीए को मारेगा? घूर कर क्या देख रहा है, क्या देख रहा है तू? बोल, मिनिस्टर के पीए को मारेगा? मारो इसे, मारो। पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। मार के भगाओ सब लोगों को। इतने लोगों को मारेंगे? जनता बेकाबू हो गई है सर, ज्यादा देर रुकेंगे तो दीवार फांद के वो लोग अंदर घुस जाएंगे। शिफ्ट हिम टू अनदर जेल। चर्बी है, इतनी जनता को साथ मिलकर न्याय के लिए कलेक्टर के ऑफिस के बाहर डेरा डाल के बैठी है। जो मर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। वो जंगली मर गया और हम जीत गए, यही सच है। चोरे, कितनी हिम्मत है तुझ में। ओ, पति मर गया तो अब तू पूरे गांव की लीडर बनेगी। बहन, अरे ये क्या रिश्ता हुआ? अरे वो भाई और ये बहन,
कैसा रिश्ता? भाई का बेटा पैदा करके कितना घोर पाप किया इसने। अरे पति के मरने के बाद ये चूड़ी और बिंदी तो निकाल लेनी चाहिए थी। छी 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 छी, ये तो महापाप है ना। आज इसका मंगल सूत्र निकालने का कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। औरत जब विधवा होती है तो उसका मंगल स्नान किया जाता है। ए, रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? इसका पति मरा है ना, तो ये मंगलसूत्र उतारने का मौका मुझे तो दो। इधर देख, बीच में लटकता तेरा बेटा और इधर तेरी प्यारी जनता, उधर टाइम बम और इधर डायनामाइट, सब फूट कर फटने वाले हैं। अब तू बता किसे बचाएगा और किसकी बलि देगा, सोच के बता।